चलो भाई, बिग बॉस ने घमंड का सर कुचल डाला। देखिए, राइडर के लिए प्लानिंग पिछले हफ्ते भी हुई थी, जब वो ईशा को उन्होंने क्वेश्चन भी दिया था, एक कुंजी भी लाके दी थी जिसके हर पन्ने पे राइडर का ही नाम था, मगर ईशा ने फिर भी ऐश्वर्या को एलिमिनेट कर दिया था। उस वक्त मुनव्वर ने कहा था ये सेंसिबल डिसीजन नहीं है। वो उस बात को लेकर ईशा को भी बोले, विकी भैया से भी लड़े, और मनारा ने ये बोला था क्लियरली कि भाई अगर देखो, मैं तुम्हारे घर आई और मैंने तुम्हारे घर में बदतमीजी करी, तुम्हारी माँ मुझे लड्डू दे के थोड़े ना भेजेगी, तो मुझे निकालेगी घर से। तो वो प्लान हो गया था फेल, और राइडर को क्लियरली पता था कि बिग बॉस उन्हें ही निकालना चाहते हैं। तो इस बारी क्या हुआ, अभी कल जब मुनव्वर भाई ने पंच मार मार के राइडर का कत्ल किया था, तो तब से राइडर और मुनव्वर एक दूसरे को पोक कर रहे थे या झगड़ा कर रहे थे। आज वो कंटिन्यूटी में, आज वो वापस लड़ाई हुई, और हर कोई राइडर को बोल रहा था कि भाई तेरा गेम नहीं है। वो हर किसी से घमंड से बात कर रहा था, भले वो विक्की हो, अंकिता हो, मनारा हो, मुनव्वर हो, चिंटू हो, हर एक से वो लड़ रहा था इस बात को कि भाई मेरी फैन फॉलोइंग है, मेरी ब्रो सेना मुझे जिता के रहेगी, मैं सबको निकाल के एक ही ट्रॉफी लेके जाऊंगा। ये जो झगड़ा हुआ उस पे बिग बॉस को ये अनुमान तो हो गया कि सब लोग उसके खिलाफ जा रहे हैं, चलो वो क्लियर होगी। फिर नॉमिनेशंस करवाया, नॉमिनेशंस में बहुत ही स्मार्टली करवाया है कि जो तीन कैप्टन हैं, दो एक्स कैप्टन, एक प्रेजेंट करंट कैप्टन, मुनव्वर, ईशा और आवरा। मुनव्वर ने क्लियरली राइडर का नाम लिया, वो तो एक्सपेक्टेड था। ईशा ने आयशा का नाम लिया, फेयर रीजन था, उन्होंने कहा भाई बाकी सब लोग इतने दिनों से बैठे हैं यहाँ पे अपना गेम खेल रहे हैं, आयशा अभी आई हैं तो ऑब्वियसली उनका कोई गेम है नहीं, तो अनडिजर्विंग प्लेयर चुनना था ना, तो आयशा एप्ट थी उस नाम के लिए। चलिए वो हुआ। उसके बाद आवरा ने अभिषेक का नाम लिया कि उसने कल ड्यूटी नहीं की, जरूर अरुण भाई ने उसके कान में डाला है, क्योंकि अरुण भाई को अभिषेक से प्रॉब्लम है जब से तहलका गए हैं। तो वो ये हुआ, अब ये तीन नॉमिनेट होके बैठे, ठीक है, अभी सिर्फ, अभी कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ, अभी सिर्फ नॉमिनेट हुए। उसके बाद राइडर फिर चढ़ गया कि देख लेना, देखिए अगर ये नॉर्मल नॉमिनेशन जैसे पूरे हफ्ते वोटिंग चलती और वो होता तो राइडर फिर से बचते ही थे, उसमें आयशा ही जा रही थी, मगर बिग बॉस को आयशा को नहीं भेजना, वो उसको मौका दे रहे हैं कि तू लड़, ठीक है, जिस काम के लिए आई है वो तू कर। जब उन्होंने देखा कि पूरा माहौल घर का ऐसा ही है कि सब बोल रहे, मतलब आयशा जिससे राइडर को शायद एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि वो दिन में बोलते हुए नजर आए कि मुनव्वर आयशा आएगी तो तेरे को दिखाएगी, तो आयशा ने भी बोला कि भाई तेरा गेम तो है नहीं, ये बात क्लियर है। तो जब ये सब माहौल एकदम गर्म हो गया तो बिग बॉस ने कहा कि आ जाओ एक्टिविटी एरिया में, चलो अभी के अभी एलिमिनेट कर देते हैं। सिर्फ मनारा थी जिसने अभिषेक का नाम लिया, मगर बाकी सब लोगों ने राइडर का ही नाम लिया, और बिग बॉस ने उसको ऐसे नहीं निकाला, उसको शॉक दे के निकाला। क्या सुना है उन्होंने बाहर जाके मेकर्स के साथ, क्रिएटिव टीम के साथ क्लेश किया है, पर घमंड इतना, देखिए घमंड होता है आपको काम काम अगर आप अच्छा कर रहे हो, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, पर घमंड अपने दिमाग में रखो, वो उसको जबान पे ना लाओ। जब आप जबान पे लाओगे तो आपका सर कटेगा कटेगा, तो ये कटा। अब ईशा ने आयशा को लिया तो चिंटू नाराज हो गए फिर से, क्योंकि फिर वो अभिषेक के चुंगल में फंस रही हैं, चुंगल नहीं है मतलब, देखिए उन्होंने कल एक टूटा हुआ दिल दे दिया अभिषेक ने ईशा को, तो शायद एक दोस्ती की वापस शुरुआत, वैसे भी ईशा डोलती रहती है चिंटू और अभिषेक के बीच में, तो ये चिंटू का गुस्सा तो जायज ही है, क्योंकि वो हमेशा ये सोचते हैं कि ईशा उनको प्रायोरिटी पे नहीं रखती हैं, वो हमेशा अभिषेक के नाम ले आती हैं बीच में कहीं ना कहीं। आयशा को लगता है कि ईशा जो है पर्सनल थ्रेट मान रही है उनको, बहन ऐसा नहीं है, आप आई बहुत लेट हैं और आपने कुछ नहीं किया पिछले 2 हफ्ते में, आप पूरे मुनव्वर को घुमाती रही हैं अपने उंगली पे, तो
पर उससे आपका गेम कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी। उन्होंने कहा कि भैया देखो अब पता चल गया कौन फेक कंसर्न दिखाता है। देखिए कंसर्न है, कंसर्न अलग चीज है, गेम अलग चीज है। तो कंसर्न अपनी जगह है, कंसर्न है आपकी आपकी बीमारी को लेकर या आपके हर्ट को लेकर, सबको कंसर्न है। आयशा आते ही उन्होंने मुनव्वर को इग्नोर किया। वो बोल रही है कि मुनव्वर झूठा है। देखिए एक तरह से आप भी झूठी ही निकले, क्योंकि एक ये कि आपको पसंद है मुनव्वर, तो आपको क्लियरली बोलना चाहिए था कि मुझे पसंद है मुनव्वर, जो आपने नहीं बोला। आई डोंट लव यू, आई डोंट लव हिम, आई डोंट लाइक हिम, मैं बाहर जाके शक्ल नहीं देखूंगी, मैं यहाँ हूँ तो मैं उसके मेंटल स्टेट पे पिघल रही हूँ, ये सब गलत है, पहला झूठ। फिर दूसरा, अगर आप अपने लिए आई हैं, फेम के लिए आई हैं, या किसी भी ऑब्जेक्टिव से हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन मिला था कि या तो आप ये मुनव्वर से बातचीत करके निकल सकती थी, नहीं आप नहीं निकली, आपने चूज किया कि मैं पूरा जो भी सीजन बचा है मैं रहूंगी, तो रहूंगी बोला है आपने, तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि आपका मकसद सिर्फ मुनव्वर से माफी मंगवाना तो नहीं था, कुछ और भी था। तो देखिए बराबर क्या है, एक अच्छी बात हुई कि अब मुनव्वर काफी फ्रीली आज उन्होंने झगड़े किए, कॉन्फ्लिक्ट जो भी उठ रहा था उसमें अच्छे से लड़े, भले वो राइडर से लड़ रहे थे या किसी को भी जवाब दे रहे थे, वो एकदम खुल के आ गए। उन्होंने बोल दिया कि भैया जो मेरी पूरी लाइफ खुलनी थी लोगों के सामने वो खुल गई है और कुछ बचा नहीं है, तो मुझे अभी कोई स्ट्रेस नहीं है। उन्होंने एक और बात बहुत अच्छी करी कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मेरा इंसान सिर्फ अंकिता है, बाकी सब मेरे लिए न्यूट्रल हैं। तो क्या ये हमारे लिए एक अंदेशा है, सिग्नल है कि टॉप टू अंकिता और मुनव्वर ही हैं? फिर मुनव्वर भाई बोलते हुए पाए गए कि मैं आयशा के लिए खिचड़ी बना दूं। मुनव्वर आप ऑलरेडी बहुत खिचड़ी पका चुके हैं, तो आप खिचड़ियों से दूर रहें। आयशा ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि आपसे कांटेक्ट नहीं रखेंगी, आप उनसे उन्हें पसंद नहीं करते, ये क्लियर हो गया उनको, आपको भी क्लियर हो गया, आपने क्लियरली आपको साथ मिल गया सलमान भाई का, आपको एक पावर मिली, एक स्ट्रेंथ मिली है, तो अब सिर्फ और सिर्फ आखिरी के जो भी हफ्ते बचे हैं, आखिरी के दिन बचे हैं, तो आप क्लियरली अपने गेम पे ही फोकस करें। मगर एपिसोड के एंड में आपको फिर मुनव्वर भाई दिखे आयशा के साथ रात कली ख्वाबों में आई गाते हुए। भई कलियों से दूर रहिए और खिचड़ी से भी दूर रहिए, आप सिर्फ गेम पे फोकस कीजिए। आयशा के आने के बाद राइडर ने जो एक चुगली करी थी कि भाई मुनव्वर तेरे जाने के बाद हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, अंकिता ने बहुत अच्छा उस पॉइंट को पकड़ा और उछाला और मुनव्वर तक पहुंचाया, बहुत अच्छा स्टैंड लिया अंकिता ने मुनव्वर के लिए, और मुनव्वर ने खुद अपने लिए फाइनली स्टैंड लिया। आई होप आगे भी मुनव्वर अंकिता अपने अपने लिए स्टैंड लेते रहेंगे। ईशा को लगता है कि मुनव्वर का कोई गेम नहीं है और वो उन्हें कंपटीशन नहीं देखती, वो उनके कॉम्पिटिटर नहीं है, उनमें बिग बॉस वाला एक्स फैक्टर नहीं है। ईशा आप किसी और घर में है क्या? ये कहाँ से पॉइंट आ रहा है? और ऊपर से कितने दिन आपने बैठ के मुनव्वर से पूरा एडवाइस लिया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं सही हूँ मैं गलत हूँ, ये वैलिडेशंस तो लिए हैं आपने मुनव्वर से। और कुछ दिन पहले ही आपने बोला था जब चिंटू मुनव्वर से झगड़ रहा था तो उसने कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगता वो मुनव्वर से झगड़े, मेरी एक बॉन्डिंग है मुनव्वर के साथ। ये नॉमिनेशन से पहले मनारा चिंटू को बोल रही थी कि देखा दोस्त, मतलब बेसिकली अभिषेक ने उनको कैप्टनसी नहीं दे के औरा को दिया था ना, फिर जब वो ये नॉमिनेशन से पहले था औरों का ना, जब अभिषेक नॉमिनेट हो गए थे तब भी वो बहुत खुश थी। तो मनारा आपको ये भी सोचने की ज़रूरत है, जब पहली बार ही कैप्टनसी हुई थी और मुनव्वर जीते थे तब चिंटू ने आपको कैप्टनसी से हटाया था मुनव्वर के लिए, तो ये जो जो भी हुआ है घर में पूरा ही आपको बही खाता देखने की जरूरत है, सिर्फ एक पॉइंट नहीं कि पिछली बार आपको कैप्टनसी नहीं मिली। और आपको कैप्टनसी नहीं मिल रही है इसकी वजह ये है कि आप बहुत ही फ्लिप होती हैं, एक जगह पे एक पॉइंट पे खड़ी नहीं होती हैं। चलिए आज राइडर गए तो उन्होंने बड़े दिल से बोला कि मनारा ने मेरा काफ़ी साथ दिया है तो मैं उसको मिस करूँगा,
मनारा ने भी कोशिश की अपने एक आंसू बहाने की, जो शायद निकला नहीं था। मैं काफी गौर से देख रही थी कि आंसू है क्या, नहीं था। आयशा बॉन्डिंग बना रही है अभी अभिषेक से, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी देखिए शायद अभिषेक और मुनव्वर की दोस्ती में एक थोड़ा सा खिंचाव आया जरूर है। वीकेंड के बार में एक जो क्लिप की वजह से मुझे लगा नहीं था आएगा। आई एम श्योर अगर मतलब और लोग कम हो रहे हैं तो अभिषेक को रियलाइज होगा, मुनव्वर को रियलाइज होगा कौन किसका है। आज अच्छी बात ये है कि क्लैरिटी आ रही है रिश्तों में लोगों को। मनारा को क्लैरिटी आई है, उसने नॉमिनेशंस के बाद मुनव्वर को सुझाव दिया कि आप अभिषेक आपके इस लिए ठीक नहीं है, आपकी दोस्ती के लिए। उन्होंने ये भी बोला कि आयशा को आप पसंद करते हैं तो मैंने उनको नॉमिनेट नहीं किया, और दूसरा उनको सेकंड चांस भी मिलना चाहिए। देखिए आयशा का भी देखना होगा कि कितना लंबा खेल सकती हैं या क्या गेम के प्रति उनका स्टेप रहेगा। लगता नहीं, उनके ओपिनियन जरूर है क्योंकि वो बाहर से गेम देख के आई हैं, मगर अगर वो कुछ कर नहीं पाती हैं तो जरूर उनका पत्ता कटने ही वाला है। फिर से नॉमिनेशंस हो चुकी हैं, वो शायद कल दिखाएंगे, और अब ऐसा लगता है कि अगला जो है नॉमिनेशंस एविक्शन जो होगा वो आवरा और अरुण का होगा। शायद इस जोड़ी को बाहर जाना पड़े, उसकी बात कल ही करेंगे, कल जब हमको पूरा ही तरह से पता चलेगा कि किसने किसको नॉमिनेट किया है और क्या बोला है उनके बारे में। काफी लोग इस एविक्शन को फेयर अनफेयर की मतलब तोल रहे हैं कि क्या ये अनफेयर। देखिए बिग बॉस का खेल है, बिग बॉस के रूल्स हैं। अगर आप बिना गेम खेले इस बात को बार बार दोहराते रहेंगे कि आपकी ब्रो सेना आपको बचाती रहेगी, तो ये तो फिर बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए नाइंसाफी होगी ना। तो इस वजह से मुझे कोई अनफेयर तो नहीं लगा, पर हाँ काफी पहला वाला जो पिछले हफ्ते का था वो एकदम प्लान था उनको निकालने का, और इस बारी एकदम फिक्स था क्योंकि घर के माहौल को काफी अच्छे तरह से जज कर लिया बिग बॉस ने और कहा कि भाई यही यही मौका है, हथौड़ा मार दिया जाए, जो उन्होंने किया।